नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। हिरण्यक ने मंथर को अपनी आपबीती सुनाई कि किस प्रकार से उसका सारा सुवर्ण, सारी धन संपत्ति वीणाकर्ण ने उसके पास से छीन ली और जब वो दोबारा उसको प्राप्त करने के चक्कर में गया तो फटे बांस से मार भी खानी पड़ी उसको। तब वो मंथर बड़े ही सुंदर शब्दों में उसको समझाता है कि देखो भैया, इसमें न वीणाकर्ण की गलती है, इसमें गलती है आपके अत्यधिक संचय करने वाले स्वभाव की। क्योंकि आपकी वृत्ति अत्यधिक संचय की थी इसलिए ये सारी समस्या खड़ी हुई है। व्यक्ति को अधिक संचय नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को बचत करनी चाहिए, अपने भविष्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि भविष्य के ध्यान के चक्कर में वो वर्तमान को जीना भूल जाए। और इसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता है मंथर, शिकारी मृग शूकर और गीदड़ की कहानी। आशीत कल्याण कटकवास्तव्यो भैरवो नाम व्याधा। कटक प्रदेश में कल्याण नगरी, वहां भैरव नाम का एक शिकारी रहा करता था। सा चैकदा मृगम अन्विष्य माणो विंध्याटवीम गतवान। अपने शिकार की खोज में वो एक दिन विंध्याटवी के जंगल में जाकर के पहुंच गया। ततस्तेन व्यापादितं मृगम आदाय गच्छता घोराकृति शूकरो दृष्टः। अब वहां पे उसने एक मृग का शिकार किया, हिरण को अपने कंधे पे लेकर के जा रहा था, अचानक उसको एक भयंकर आकृति वाला सुअर दिखाई दे गया। उसको लगा यार ये शिकार बहुत अच्छा है, और ये विचार करने के बाद उस व्याध ने मृग को तो जमीन पे रखा। तेन व्याधे ने मृगम भूमौ निधाय सूकरा शरेण हता। उस सूकर का शिकार करने के लिए बाण से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। बाण शूकर को लगा मर्म भेदी जगह पे लगा, लेकिन शूकर ने भी मरते मरते शूकरेणापि घनघोर गर्जनम कृत्वा सव्याधो मुष्क देशे हता। उस शूकर ने भी भयंकर गर्जना करते हुए जो वो शिकारी था उसके मुष्क देश पर, जिसको आप सेंसिटिव कहते हैं, व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां लगा हुआ एक प्रहार व्यक्ति के प्राण निकाल देगा। अब शूकर ने जो है मरते मरते उस व्याध को इस प्रकार से अपना ठोकर मारा कि जिसकी वजह से संछिन्न द्रुम इव भूमौ निपपात। जैसे कटा हुआ वृक्ष जमीन पे गिर पड़ता है, इस प्रकार से वो शिकारी भी जमीन पे गिर गया। अब देखिए मजे की बात है, मृग को मारा, उसको मार के जमीन पे रखा, सुअर को मारा बाण से, वो भी मर गया, लेकिन मरते मरते उसने इतनी जोर से टक्कर मारी है उस शिकारी को कि वो शिकारी भी कटे हुए पेड़ की तरह से वहीं गिर गया। कहते हैं जलम अग्निम विषम शस्त्रम क्षुद व्याधि पतनम गिरे निमित्तम किंचिदाशाद्य देही प्राणैर्विमुच्यते। भाई संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, लेकिन हर व्यक्ति के मृत्यु का कोई ना कोई निमित्त बना करता है। कोई जल में डूब के मर जाएगा, कोई अग्नि में जल के मर जाएगा, किसी को विष की असर हो जाएगी इसलिए मर जाएगा, कभी फूड पॉइजनिंग कहेंगे आप उसको, कभी कोई और नाम दे देंगे उसको, कोई किसी शस्त्र का शिकार बन जाएगा, कोई भूख से मर जाएगा, कोई रोग से मर जाएगा, कोई पहाड़ से यानी ऊंचाई से गिर के मर जाएगा, यानी कोई ना कोई बहाना बनेगा और उस बहाने उस निमित्त के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती है। और यही यहां निमित्त बन गया उस शिकारी के मरने का।
अब स्थिति यह आई कि जब भयंकर पीड़ा हुई है उस शिकारी को, तो उस शिकारी ने बड़ी जोर से छटपटाया है, अपने हाथ पैर जो वहां हिलाए हैं, और सूकर भी वहीं, क्योंकि उसने टक्कर मारी थी आके, तो दोनों बिल्कुल पास में पड़े हैं। वो सुअर भी तड़प रहा है और वो शिकारी भी तड़प रहा है, और इन सब की तड़प के चक्कर में जो उनने अपने हाथ पैर हिलाए हैं, वहां एक सांप था, वो सांप उनके हाथ पैर हिलाने की चपेट में आ गया, बेचारा वो सांप उसमें दब के मर गया। अथ तयोः पादास्फालनेन सर्पोपि मृतः, यानी उन दोनों के जोर जोर से पैर हिलाने से उस सुअर के और उस शिकारी के, जो तड़प रहे थे अपने पैर पछाड़ रहे थे, वो लग गया एक सर्प को, सर्प भी वहां पे मर गया। अब देखिए मृग मरा पड़ा है, सुअर मरा पड़ा है, एक मनुष्य मरा पड़ा है, और सांप भी मरा पड़ा हुआ है। अथ अनंतरम दीर्घ रावो नाम जम्बु कहा परिभ्रमन आहारार्थी तान मृतान मृग व्याध सर्प सूकरान पश्य। वहां एक जम्बू एक शियार आके पहुंच गया, नाम है दीर्घ राव। देखिए यहां जब आप हितोपदेश पढ़ रहे हैं, इनके नामों पे बड़ा ध्यान दीजिए। यहां जब कोई नाम बताया जाता है तो वो यथा गुणा तथा नामह जैसी स्थिति होती है। तो दीर्घ राव नाम का एक जो सियार है वहां आकर के पहुंच गया, घूमता घूमता अपने आहार की शोध में, अपने भोजन की तलाश में, और वहां आकर के तो उसने देखा, ओ हो, एक मनुष्य पड़ा है, एक मृग पड़ा है, एक सुअर पड़ा है, एक सर्प पड़ा है। अचिंतयच्च, अब तो वो विचार करता है, अहो अद्य महद भोज्यम में संपस्थितम, ओ हो, आज तो मेरे लिए कितना बड़ा, जिसको आप कहें ना कि पार्टी हो गई, इतना बड़ा भोज्य हमारे लिए यहां उपस्थित है। फिर यहां शास्त्रकार लिखते हैं, अचिंतितानी दुखानी यथैवायान्ति देहिनाम सुखान्यपि तथा मन्ये दैवम अत्रातिरिच्यते। व्यक्ति कभी सोचता नहीं है और बिना उसके सोच विचार किए भी उसके ऊपर दुख खा के पड़ जाते हैं, यानी कोई ऐसा चाहता तो है नहीं कि मेरे ऊपर दुख खाए, और ये सोच के कोई दुखों को बुलाता भी नहीं, आमंत्रण भी नहीं देता है। देते तो वैसे दुखों को आमंत्रण हम ही हैं, हमें पता है अचार खाएंगे, अधिक मसाले खाएंगे, पानी पूरी वगैरह खाएंगे, एसिडिटी होगी, परेशानी होगी, हमें ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खाएंगे। हमें पता है कि हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, जो चीजें हमें पता है, और फिर भी वो खा करके अगर हम बीमार होते हैं, रोग बुलाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि दुखों को हम स्वयं आमंत्रण देते हैं। लेकिन दुखों का चिंतन ना करो, फिर भी दुख आकर के जैसे उपस्थित हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुख भी अगर दैव उसका साथ दे, भाग्य उसका साथ दे, तो इसी प्रकार से बिना उसके विचार के आ जाते हैं, दैवम अत्र अतिरिच्यते। दुख या सुख ये तो भाग्य के अधीन है, यानी भाग्य ने चक्र चलाया तो दुख आ जाएगा, और भाग्य का चक्र चल गया तो भैया देखो खाने की लॉटरी लग गई है यहां। तद भवतु, ओहो एषाम मांसई मांसत्रयम में सुखेन गमिष्य, अरे इतने भोजन से तो मेरे 3 महीने बड़े आराम से कट जाएंगे। वो शियार, वो जम्बू की सोच रहा है, विचार करता है कि इतनी बड़ी लॉटरी लगी है कि अब तो इनके मांस से हमारे 3 महीने बड़े आराम से कट जाएंगे। मांस में कम नरो याति, अरे 1 महीने तक मनुष्य को खाऊंगा, याति 2 मासो मृग सूकरो, और 2 महीने तक वो सुअर और मृग चलेगा, 3 महीने तो हो ही गई, अहिरे कम दिनम याति, 1 दिन तो सांप को खाके भी गुजारा हो जाएगा। 3 महीना और 1 दिन का इंतजाम तो उसके पास है, आज अद्य भक्षो धनुर्गुणा, लेकिन आज मैं इन सबको खाना शुरू नहीं करता हूं, आज ये जो धनुष यहां पड़ा है, शिकारी का धनुष था,
उस धनुष में जो चमड़े की डोरी बंधी हुई है, वो कहता आज इस चमड़े को चबाता हूं, आज चमड़े को खाता हूं, ये 3 महीने और 1 दिन का इंतजाम जो है इसको मैं जरा सुरक्षित रखता हूं, आज इससे काम चला लेता हूं। बस यही है भविष्य में जीना। इस संसार में आज लोग अपना पेट काटते हैं, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को आकांक्षाओं को मार देते हैं। गाड़ी लेनी है, अरे यार अभी ये पैसा आया है ना, इसको सुरक्षित कर लो, बाद में ले लेंगे। ये करना है बाद में कर लेंगे, वो करना है बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी आता ही नहीं है। तो जीवन में इस जम्बूक इस शियार की तरह सब कुछ होते हुए भी उसको आप साइड पे रख दें और आज तो इस चमड़े की डोरी को चबा करके अपना काम चला लूंगा, ये जो बात उसने की, मंथर कहता इससे गलत कुछ नहीं है संसार में। तथा प्रथम बुभुक्षया मिदम निस्वाद कोदंड लग्नम स्नायु बंधनम खादामी। अब ये निर्णय करके उसने तय किया कि आज तो अपनी भूख को मिटाने के लिए जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जो सूख चुकी है, जो दोरी के रूप में धनुष में बंधी हुई है, इस चमड़े को मैं चबाता हूं। इत्युक्त्वा ऐसा मन में विचार करके तथा कृते सति छिन्ने स्नायु बंधनम उत्पतितेन धनुषा हृदि निर्भिन्न सा दीर्घ रावा पंचत्वम गता। अब धनुष पे तो दोरी चढ़ी हुई थी, जैसे उसने चमड़े की उस डोरी को काटा, डोरी कटी और धनुष अपनी जगह से छूटा, जो टाइट करके खींच के बांधा हुआ था, और वो इस तरीके से उस शियार की छाती में लगा। छिन्ने स्नायु बंधनम, वो चमड़े की डोरी कटते ही उत्पत्ति तेन धनुषा, वो जो जोर से धनुष उछला, हृदय निर्भिन्न, उस शियार का हृदय फट गया। सदीर्घ रावा, अब देखिए अब जोर से आवाज निकलेगी जो उसका नाम है दीर्घ रावा पंचत्वम गता, और वो चिल्लाते हुए प्राण उसके भी निकल गए। अतो अहम ब्रवीमि, वो मंत्र कहता इसलिए मैं कहता हूं कर्तव्य संचयो नित्यम इत्यादि, जो पहले श्लोक आया था कि व्यक्ति को संचय तो नित्य प्रति करना चाहिए, यानी कुछ बचत तो करनी चाहिए, लेकिन अति संचय नहीं करना चाहिए। जब भी व्यक्ति अति संचय करता है तो उसका परिणाम या तो इस शियार की तरह जिस जम्बूक की तरह होता है, या फिर हिरण्य की तरह होता है जिसने पैसा इकट्ठा तो बहुत किया था, धन एकत्रित तो बहुत किया था, लेकिन कभी उपयोग में नहीं लिया, और जब उपयोग में नहीं लिया तो फिर तो वो धन दूसरे का है, आप तो खाली उसकी सुरक्षा कर रहे हो। कहते हैं यद ददासी यदस्नाति तदेव धनिनो धनम अन्य मृतस्य क्रीडंती दारैरपि धनैरपि। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति किसी को दान कर देता है या जो व्यक्ति खा लेता है यानी अपने ऊपर खर्च कर लेता है, या तो दान कर लीजिए या उपभोग कर लीजिए, वही धन आपका अपना है। वो धन आपका अपना हो गया जो आपने अपने ऊपर खर्च कर लिया या जिसको आपने दान कर दिया, बाकी तो भैया आज मरे 13वें दिन के बाद कैलेंडर की तरह लटक जाओगे, 1 साल तक कोई फूल उल चढ़ा देगा और उसके बाद तो कोई पूछेगा भी नहीं, और धन को वो लोग जिनसे आप बचा बचा के रखते थे, बेटे ने मांगा था कि मुझे 1000 रुपया चाहिए तो आप 100 रुपये देते थे, चल भाई इतने से काम चला ले, ऐसे कहां से आता पैसा, वो अब 1000 की जगह 5000 खर्च करेगा, अब आप उसको रोकने नहीं आ सकते। अन्य मृतस्य क्रीडंती दारै रवि धनै रवि, फिर भैया अगर आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है, अगर आपने दान नहीं किया है, तो फिर तो आप गए, आपके बच्चे आपकी पत्नी फिर तो उस पर मजा करेंगे, तो वो उनका हुआ आपका तो हुआ ही नहीं,
यद्ददासि विशिष्टेभ्यो यच्चा अस्नासि दिने दिने तत्ते वित्तम महम मन्ये शेषम कस्यापि रक्षसि। ये बात पहले भी कह चुके हैं, जरा दूसरे शब्दों में आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि जो दान आप किसी को कर देते हैं या जिस धन संपत्ति का उपभोग आप कर लेते हैं दिने दिने यानी प्रतिदिन, तत्ते वित्तम महम मन्ये, वो धन आपका है, वो संपत्ति आपकी है, शेषम कस्यापि रक्षति, बाकी तो आपके पास जो संपत्ति है वो किसी और की है, आप तो खाली रक्षक बन के बैठे हैं शायद अभी मनुष्य के रूप में, और अगर उसी में आपके प्राण बने रहे मरने के बाद, अब तो बैंक में बैलेंस रहता है तो बैंक के बैलेंस के ऊपर तो आप सांप बन के नहीं बैठ सकते। पहले बैंक जब नहीं हुआ करते थे तो लोग जमीन में दबा के रखते थे, तो मरने के बाद कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि व्यक्ति सर्प बन के अपने उस धन की सुरक्षा के लिए और उस पर बैठा करता था। तो भैया आप सर्प नहीं बनेंगे तो बैंक में प्रेत बन के जाएंगे, तो अगर इस सबसे बचना है तो जो कमाते हो आवश्यकता अनुसार बचत करो, बाकी आराम से उसका व्यय करो, यही सबसे सही धन का उपयोग है। अन्यथा वो धन जो है, पहले ही कहा कि दानम भोगो नाशा, तीन ही गति इसकी है और तो कोई गति है नहीं। अगर आप दान नहीं कर पाए, अगर आप उपभोग भी नहीं कर पाए, तो फिर धन आपके लिए नष्ट ही है। धन्यवाद। इससे आगे की कथा अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।